हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अमिता एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह है भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही आसान से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है। ढाबा स्टाइल भिंडी दो प्याजा बनाएंगे आज हम घर पर ही, तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो आज इस रेसिपी को हम घर पर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने भिंडियों को कट करके लिया है। इनको बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में या बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कट करना है, इस तरीके से छोटे टुकड़ों में ही कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े हों और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो इस तरीके से थोड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट करेंगे ताकि ये गले नहीं और ये टूटे नहीं। तो इस तरीके से कट करेंगे तो आपका भिंडी दो प्याजा बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैंने लिया है अनियन। अनियन को मैंने उनका लेयर अलग कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दो तरह की चॉपिंग की है मैंने। एक देखिए बड़े बड़े प्याज के लच्छे निकाले हैं और एक छोटे टुकड़ों में कट किया है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में चॉपिंग की है अनियन की। और यहाँ पे टोमेटो को चॉपर में चॉप किया है और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पे थोड़े से टोमेटो, एक टोमेटो को मैंने बड़े साइज में कट किया है और इसका जो रस है यानी जूस उसको अलग निकाल दिया है, इसके सीड्स निकाल दिए हैं, बस ऊपर का ही पार्ट लिया है। तो बस इस तरीके से इसकी चॉपिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें डाला है 2 चम्मच तेल। यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें भिंडी डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भिंडियों को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, पर सैलो फ्राई का जो टेस्ट रहता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। भिंडियाँ बिल्कुल सख्त नहीं होती हैं, खिंची खिंची नहीं लगती हैं और सॉफ्ट रहती हैं इस तरीके से। तो ये देखिए भिंडियाँ हमारी हो गई हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और सेम कढ़ाई फिर से यूज़ कर रही हूँ मैं, ऑयल भी वही यूज़ कर रही हूँ और नहीं ऐड करा है इसमें। यहाँ पे मैंने डाला है 1 छोटे चम्मच अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप जीरा ऐड कर सकते हैं अजवाइन की जगह पे। और अब इसमें जो फाइनली चॉप किए हुए अनियन रखे थे उसको ऐड कर देंगे और अब प्याज को भी थोड़ी देर पका लेंगे। तो प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। तो ये देखिए प्याज भी हमारे हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक का कच्चापन है वो निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए इस तरीके से बस हमको चलाते रहना है ताकि ये तली में चिपके नहीं और इसका सारा कच्चापन निकल जाए, नहीं तो जो उसका स्मेल आता है कच्चेपन का वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको अच्छे से हमें पका लेना है। तो ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक भी अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग गया है यानी कि हमारा जिंजर गार्लिक हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो जो कि हमने चॉपर में चॉप करके लिया है। पेस्ट नहीं बनाया है इसको, चॉपर में चॉप किया है, आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। और अब टमाटर को भी अच्छे से हम इसके साथ में भून लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है बस। और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर इतने मसाले में ही ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, अजवाइन का फ्लेवर भी आता है। और यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 छोटे चम्मच। आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं रेड चिली पाउडर, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे।
ये सब्जी बहुत ही सिंपल है, बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा घर पे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो हमने लच्छे बना के रखे हैं, और टमाटर भी जो बड़े टुकड़ों में कट करके रखा है। तो मैं देखिए इनको फ्राई नहीं कर रही हूँ पहले से, हम इसी टाइम पे इसको ऐड कर देंगे क्योंकि प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइम पे ही अच्छे से पक जाएंगे और ओवर कुक भी नहीं करना है। तो बस इस तरीके से मसाले के साथ में ही इसको भून लेंगे दोनों को। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने जो भिंडी को फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे इसमें, और अब यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जी हमारी लगभग रेडी है, तो बस इसको 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग दिख रही है ये सब्जी, और बनाने में कितनी आसान है आपने खुद देख लिया है, और बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। इसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं इसी तरीके की आसान रेसिपी और हेल्दी रेसिपी अच्छी सी लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।